नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। और आज की जो एक सीरीज में फिर से हम शामिल हो गए हैं बुधवार को लेकर के, और बुधवार की कहानी आज आपको बताएंगे क्या इसका संबंध है आपके जीवन के साथ, खास तौर पर जिनका जन्म हुआ है बुधवार के दिन, किस तरह का नेचर होता है इनका, विस्तार से जानकारी देंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। जी हाँ आचार्य जी, वाकई बहुत ही रोचक जानकारियां हर दिन दी जा रही हैं। ना कोई तारीख, ना समय, ना स्थान, कुछ नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, बस आपके जन्मदिन के आधार पर आपके पूरे जीवन का आकलन कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको आज बताएंगे कि बुधवार के दिन यानी कि आज ही के दिन आपका जन्म हुआ था, तो किस पहर में किस तरह का आपका स्वभाव, यानी कि प्रथम पहर में अगर आपका जन्म हुआ तो किस तरह का आपका नेचर होता है, और खास तौर पर कहा जाता है कि बुध ग्रह से इसका संबंध है, तो बुध कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक जी है। बिल्कुल कंचन जी, सभी उन दर्शकों को हम बता दें कि आज जो भी हमारे जातक भाई बहन बंधु बुधवार के दिन जिसका जन्म हुआ, उनको जन्म का समय नहीं पता, तो प्रथम पहर, द्वितीय और तृतीय पहर में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके ऊपर कैसा बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, आपकी बुद्धि उस समय कार्य करती है या नहीं कि जब आपको फायदा होने वाला होता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो घबराइएगा नहीं, बुध के लिए आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि आप वो करेंगे तो आपको बुध ग्रह से बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ, तो दिमाग ज्यादा चलाते हैं आप या फिर लोग जो है आपको मूर्ख बना जाते हैं, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे बुधवार के बारे में, बताएंगे क्या संबंध है इसके आपके जीवन के साथ, और पहले दूसरे और तीसरे पहर में जन्म हुआ है तो किस तरह का स्वभाव आपका हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप भी कट जाते हैं और आप सुकून भी महसूस करते हैं। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति भगवान शिव को समर्पण है, समर्पित है, लेकिन भगवान शिव की जब आप इस स्तुति का ध्यान करते हैं तो आपके शारीरिक कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं और भगवान शिव और मां गौरी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आंखें मूंदिएगा, ध्यान करिएगा भगवान शिव का। ओम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतंभाविगम्यम। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करने से आपके कष्ट कलेश तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है और बहुत लंबे समय से चले आ रहे जो रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। जी हाँ, तो चलिए अब अपने विषय पर आना चाहेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया, जो हमारी ये सीरीज है बर्थडे सीरीज, इसमें हम आज बात करेंगे बुधवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो बुधवार का किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, भगवान ने आपके लिए यही दिन क्यों चुना है। अगर बुधवार की बात की जाए आचार्य जी, तो आज के दिन जिनका जन्म प्रथम पहर में, पहले पहर में हुआ है, तो उनका नेचर किस तरह का होता है और उनका जीवन किस तरह का होता है ये बताएं। जी देखिए, बुधवार को तो आपने जन्म लिया, लेकिन आपको स्वभाव के बारे में हम बताएंगे आपके अपने स्वयं के बारे में। देखिए, बुधवार को यदि प्रथम पहर के अंदर आपका जो जन्म हुआ है, ऐसे जातकों पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव होता है और ऐसे जातक बुद्धिमान और मधुरभाषी होते हैं। बहुत ही इनकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र होती है और साथ ही साथ ये मधुरभाषी होते हैं, अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं, साथ ही साथ ये हर कार्य करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बुध ग्रह का यदि आपके जन्मांक के अंदर, आपने जन्मांक देखा भी होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कि बुध ग्रह का ऐसे जातकों पर विशेष प्रभाव होता है मित्रों जो बुधवार के दिन जन्मे होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और मधुरभाषी होते हैं, साथ ही साथ हर कार्य को करने में ये सक्षम होते हैं। लेकिन बुध ग्रह यदि आपके जन्मांक में कहीं ना कहीं दूषित है, पीड़ित है या अस्त है, तो मान के चलिएगा आज उस बुध को जो अस्त था और पीड़ित था आप शुभ बिल्कुल करेंगे, लेकिन उपाय के द्वारा बहुत शुद्ध और सात्विक मन से आप ये उपाय करिएगा और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ आगे बात करेंगे महिलाओं की सेहत के भी बारे में आपसे, हम में अक्सर अगर आपका गला खराब रहता है, खराश रहती है गले में, तो उसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है जो आगे बताएंगे। पर गुड़गांव से हमारे साथ सीमा जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में सीमा जी, बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे सीमा जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है जी, मेरा बेटा है जी अमेरिका में, यूएस में जी, वो अभी अपना बस कोर्स कर रहा है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है मई में जी, और उसकी जॉब के लिए पूछना है कि वहाँ जॉब उसकी कब जी। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं। 18 नवंबर 1991 जी। समय मॉर्निंग में 6:25
जी, और प्लेस? और प्लेस है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जी जी जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है जी, बस ये अपनी पढ़ाई कर रहा है, एमएस कर रहा है वहाँ पे अमेरिका में, और ये जॉब इसकी वहाँ पे कब लगेगी? जॉब कब? जी देखिए, बिल्कुल तुला लग्न का जन्मांक बन जाता है और शनिदेव उच्च के चतुर्थ भाव के अंदर, स्वराशि के, माफ कीजिएगा, बुध में शनि की ही अंतरदशा। देखिए, किसी तरह का कोई विघ्न या बाधा या परेशानी हमें नजर यहां पर नहीं आती। 18 अक्टूबर 2016 तक इनका कार्य बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इनसे कहिएगा 5:15 से 7:15 रति तक का एक मोती धारण कर लें, और हो सके तो जरूरतमंद की मदद जो है आपको हर शुक्ल पक्ष के शनिवार को करनी होगी। ये किसी जरूरतमंद को आप भोजन, वस्त्र, दवा कुछ भी आप दान कर सकते हैं, या छोटे बालकों को थोड़ा सा मीठा भोजन घर का बना हुआ आप दान कर सकते हैं। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। आगे हम आपके मेल भी लेंगे, आप हमारी मेल आईडी इस समय नोट कीजिए। मेल आईडी है हमारी kal2.30pm@liveindia.tv। ये हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी है। हम अपने शो में आपकी मेल भी लेते हैं अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है। आज जिनकी मेल्स हमारे पास आई है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे भैया। हाँ जी, मैं अनमोल वत्स बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी जी अनमोल जी, चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं आप। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर बने हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी जी अनमोल जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/2000। जी, समय? समय 7:40 PM। और प्लेस? प्लेस मेरठ। मेरठ जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी राशि कौन सी है और मेरी पढ़ाई कैसे चलेगी और मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, योग है या नहीं? जी भैया, आपको बता दें अनमोल, आप आज लकी कॉलर हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। कर्क लग्न का आपका जन्मांक है और कुंभ राशि आपकी है। चंद्रमा आपका कुंभ राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर में शुक्र के साथ, बृहस्पति में राहु की अंतरदशा। देखिए 17 फरवरी 2017 तक तो कहीं भी यहां पर जन्मांक के अंदर आपको बता दें कि सरकारी नौकरी का योग नहीं बन पा रहा, लेकिन इसके बाद आपका योग बहुत ज्यादा प्रबल बन जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, भगवान सूर्य की आराधना करिएगा और हो सके तो अपने से बड़ों का कहना आप मानना आरंभ कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करिएगा। जी हां। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बुधवार के दिन आपका जन्म हुआ और वो भी दूसरे पहर में, यानी कि दोपहर के वक्त अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नेचर अब कैसा हो जाता है? आचार्य जी जानना चाहेंगे कि क्या सुबह के मुताबिक अगर देखें दोपहर के समय को लेकर के, तो क्या स्वभाव में परिवर्तन आता है, किस तरह बिल्कुल, का नेचर? बिल्कुल कंचन जी, द्वितीय पहर के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर आ जाता है। वो क्या परिवर्तन होता है ये आप अपने जन्मांक में भी देख सकते हैं, आप अपने अंदर महसूस भी इस बात को अवश्य करेंगे। द्वितीय पहर में जन्मे बालक जो होते हैं वो तर्क वितर्क में आगे जाकर बहुत ज्यादा निपुण हो जाते हैं, बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं, कहीं भी किसी से भी कोई भी आर्ग्यू करने में वो पीछे बिल्कुल नहीं हटते। लेकिन इनको अपनी वाणी पर इसी बात को, इसी क्षमता को लेकर बहुत ज्यादा अभिमान हो जाता है, और साथ ही साथ कभी कभी अपने शब्दों द्वारा जो ऐसे शब्द ऐसे बालक इस्तेमाल करते हैं कि दूसरों पर ये कटाक्ष करने में माहिर होते हैं। किसी भी छोटी सी बात को लेंगे और द्वितीय यानी अनदर किसी भी लोगों पर, व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति विशेष पर, रिश्तेदारों पर ये कटाक्ष कर देते हैं, और साथ ही साथ ये मित्रता निभाने के अंदर हमेशा जो है सर्वप्रथम रहते हैं। तो ये तो द्वितीय पहर के बारे में था, तृतीय पहर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कोई भी आपके जन्मांक के अंदर बुध से संबंधित दोष है तो उसको, दोष को दूर करना है आपने, और अपने से बड़ों का कहना अवश्य मानना है। बिल्कुल, लेकिन वेनसडे जो यानी आपका बुधवार है, हमेशा के लिए लकी हो जाए, लकी साबित करना चाहते हैं इसे, तो इसके लिए एक प्रयोग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे एक मेल पर। मेल आईडी आपको हम बता चुके हैं, मेल आईडी फ्लैश भी हो रही है, इसे आप नोट कर लीजिए। जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है विवेक जी। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/87, 11:16 AM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जी इनका कहना है कि इनकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं रहती है, और जानना चाहते हैं कि कब ये अच्छे हो जाएंगे। इनको खास तौर पर ये जानना चाहते हैं कौन सा समय इनके लिए अच्छा समय कब आएगा। देखिए वृश्चिक लग्न का इनका जन्मांक बन जाता है, शनि लग्न के अंदर वृश्चिक राशि में,
और आज की डेट में भी शनि वृश्चिक राशि के अंदर मंगल के साथ इनके लग्न में, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और इनका सूर्य और मंगल दशम भाव में सिंह राशि के अंदर, वहां भी इस समय बृहस्पति राहु की युति। देखिए इनको करना क्या है, इनको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो कम से कम नेत्रहीन लोगों की इनको सहायता अवश्य करनी चाहिए, और यदि ऐसा ना कर पाए तो अपने घर के अंदर सूर्याष्टक का पाठ भी करना आरंभ कर दें। लाभ तो दिखाई देगा, साथ ही साथ इनकी जो बीमारी है वो भी पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हंसी से जुड़े हुए राज। जी हाँ, कैसे हंसते हैं आप, और आपकी जो ये हंसी है वही आपके बारे में बहुत कुछ बताएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ, आज जैसे कि हमने आपको बताया कि बुधवार के दिन आप जन्मे हैं, तो क्या आपके जीवन में आप महसूस करते, खासतौर पर अभी तक आपको बताया जा चुका है कि प्रथम पहर में अगर आपका जन्म हुआ है या द्वितीय पहर में जन्म हुआ है तो नेचर आपका कैसा होता है, लोगों के प्रति आप किस तरह का व्यवहार रखते हैं, वाकई बुद्धिमान होते हैं या बुद्धू बन जाते हैं आप। लेकिन अगर हम बात करें तृतीय पहर के बारे में आचार्य जी, तीसरे पहर में अगर जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उनके बारे में बताएं कि उनके पर्सनैलिटी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, इसे बताएं। बिल्कुल, देखिए तृतीय पहर के अंदर जन्मे जो बालक होते हैं वो आपको हम उसके बारे में बता दें कि तृतीय पहर में जन्मे बालक गणित के विषय से जो है बहुत ज्यादा घबराते हैं। यहाँ पर गणित जो है बुध से संबंधित है और बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं लेकिन लेखन कला में भी जो है बहुत ज्यादा ये निपुण होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो बालक गणित के विषय से घबराते हैं तो कहीं ना कहीं बुध उनके किसी भी भाव के अंदर पीड़ित होता है, और साथ ही साथ लेखन कला में जो है वो निपुण होते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि ऐसे जो जातक होते हैं वो कुशल व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कि गणित से तो घबराते हैं लेकिन व्यापारी बहुत कुशल होते हैं, और साथ ही साथ दूसरों को अपनी बातों से आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन बुध किसी भी तरह से आपका पीड़ित है, तो आज बुधवार के दिन यदि आपका जन्म हुआ है उस बुध को जिसमें आप जन्मे थे बुधवार के दिन, उस बुध को आज आपने बिल्कुल शुभ करना है। किसके द्वारा? महा उपाय के द्वारा। जी हाँ, तो वो महा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, आपको देंगे अंक ज्योतिष के अनुसार वो नंबर जो वाकई आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता है, लेकिन शर्त यही होती है कि इस नंबर को आपको रखना होता है पूरे 24 घंटे सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट नंबर। मित्रों, अंकों के आधार पे आपको हम सीक्रेट नंबर बताते हैं, लेकिन हमारा यही आपको कहना रहता है बार बार कि आप इसको किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे। मूलांक एक वाले नोट करें 100 यानी कि 100 नंबर को, और मूलांक दो नोट करेंगे 18 नंबर को, ये उनका सीक्रेट नंबर है। मूलांक तीन
के सभी बंधु नोट करेंगे, दो नंबर को, ये उनका सीक्रेट नंबर है। मूलांक चार की बारी आ चुकी है, 40 नंबर नोट करें वो सीक्रेट नंबर। मूलांक पांच 41 41 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर उनके लिए। और मूलांक छह की बारी आ चुकी है, 17 नंबर सीक्रेट नंबर है उनका। मूलांक सात वाले नोट करें 27 नंबर को, और मूलांक आठ वाले नोट करेंगे आज 16 नंबर को, और मूलांक 9 45 नंबर। प्रयोग कैसे रहेगा आज ये जान लीजिएगा, हो सके तो हरी दूरवा के द्वारा आप किसी सफेद कागज पर लाल स्याही से आज इसको लिखिएगा, चार फोल्ड करिएगा, और हो सके तो अपने पॉकेट में इसको रख लीजिएगा या अपने पर्स में रखिएगा, भरपूर फायदा उठाएगा। लेकिन शर्त हमारी वही है आपसे कि इसको किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, तो बर्थ आपका हुआ है बुधवार के दिन, तो बुधवार को आपके लकी भी बनाना जरूरी है जी। चाहे कोई भी दोष क्यों ना हो, बुध से संबंधित वो दोष भी समाप्त हो जाएंगे और ये डे आपके लिए हमेशा लकी रहेगा। तो क्या इसके लिए प्रयोग आपको अपनाना है, आइए अब आपको बताते हैं। मित्रों, प्रथम पहर, द्वितीय और तृतीय पहर में तो हमने आपको बता दिया, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई संशय हो, लेकिन इस सारे संशय को दूर करेगा ये महा उपाय। आपका बुध बिल्कुल आपका साथ नहीं दे पा रहा, भगवान श्री गणेश की कैसे आपको कृपा मिले इस उपाय के द्वारा आप जान लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आपको 11 हरी दूर्वा की पत्ती एक कलावे के द्वारा आपको बांधनी है, और ओम ग्लोम गम गणपते नमः 11 बार बोलते हुए श्री गणेश जी के श्री चरणों में आपको ये चढ़ानी है, और पांच मोदक श्री गणेश जी को अर्पण करने हैं। फिर सात बार आप श्री गणेश स्त्रोत का पाठ करिएगा, और भोग लगाने के पश्चात इन मोदक को छोटे छोटे बालकों में वितरण कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे बुध जो है आपका काम नहीं करता, आपका मन भी जो है गणित के विषय में लगेगा, साथ ही साथ आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, और जो कटाक्ष करने की जो आपकी आदत थी वो बिल्कुल छूट जाएगी। बिल्कुल, महिलाओं की सेहत की बात आगे हम करने वाले हैं आपसे, हैं हम में, पर चंडीगढ़ से अनीता जुड़ी हैं जी। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार श्री राधे। हाँ आचार्य जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है कि उनका जॉब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जी। जन्म की तारीख 14 जनवरी 1958 जी, और समय समय सुबह के 4:36 AM और प्लेस लुधियाना पंजाब। क्या सवाल है आपका उनके लिए? एक्चुअली उनका जॉब का प्रॉब्लम है, तो क्या जॉब के लिए मतलब मिल जाएगी अगली जॉब या क्या होगा, थोड़ा कंपनी बंद हो रही है वो जी। देखिए, वृश्चिक लग्न का जन्म है इनका, और इस समय दशम भाव के अंदर बृहस्पति राहु की युति, केतु में राहु की अंतरदशा। देखिए, यहाँ पर जॉब तो मिल जाएगी लेकिन इनके जन्म स्थान से दूरी पर ही मिलेगी, और ये जो जॉब मिलने का जो समय है ये भी आपको बता देते हैं, ये 26 मई 2016 के बाद इनको बिल्कुल जॉब प्राप्त हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, दूसरों की मदद करनी है, और हो सके तो अपने घर के अंदर मंगलवार या फिर शनिवार को रात्रि 10 बजे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है जी। और चलिए, अब बारी आ गई है महिलाओं की सेहत के बारे में। बहुत ज्यादा बोलती हैं आप, लेकिन गला आपका खराब हो जाता है और गले में हमेशा खराश रहती है, और ऐसे में आप चाहती हैं बिल्कुल ठीक रहें आप, तो उपाय अपनाएं। अब आपको बता रहे हैं आपसे हैं हम में से, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। मित्रों, आज माताओं बहनों के लिए हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, जैसा कि कंचन जी ने बताया कि आप बोलते बहुत हैं लेकिन गले में कुछ ना कुछ खारिश या परेशानी आपको हो जाती है, लेकिन अब वो दूर होने वाली है। इस उपाय को आप नोट करिएगा, 5 काली मिर्च के दानों के साथ 4 हरी तुलसी के पत्ते आपको उबालने हैं, और ठंडा होने के पश्चात दिन में कम से कम 2 बार आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। देखिएगा गले से संबंधित सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी वाणी पहले से मधुर हो जाएगी जी। गुरदासपुर से राहुल जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका शो में राहुल, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार श्री राधे। श्री राधे, बहुत धीमी नहीं आ रही जी, राहुल थोड़ा ऊंचा बोले आप। ओके मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1997 11/9/1997 जन्म का समय? जन्म का समय शाम के 8 और 8:30 के बीच में जी। और प्लेस? गोविंदपुर साहिब जी। गोविंदपुर साहिब, अमृतसर। अमृतसर, क्या प्रश्न है भैया? मेरा भविष्य के बारे पूछना है, और प्लस टू के बाद क्या करूं और राशि कौन है मेरी?
जी देखिए मेष लगन की आपकी जन्मांक है भैया, कुंडली जो है आपकी मेष लगन की है और राशि आपकी धनु राशि है। धनु राशि से 12वें स्थान के अंदर इस समय आपको बता दें शनि और मंगल की युति आपके अष्टम भाव में, सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतरदशा। बिल्कुल आप आगे आने वाले समय के अंदर काफी अच्छे जो है यहाँ पर एक अध्यापक बन सकते हैं, बहुत अच्छे गुण आपके अंदर हैं। लेकिन इसके निमित्त आपको क्या करना है, इसके निमित्त आपको दूसरे छोटे बालकों को जो है हो सके तो निःशुल्क जो है शिक्षा का दान करना है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं किसी जरूरतमंद बालक को जो सक्षम ना हो आपको फीस देने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें मस्तक पर केसर का तिलक करना आरंभ करिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। हरप्रीत जुड़ी हैं यमुनानगर से, जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हरप्रीत जुड़ी हुई है हमारे साथ, जी बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी जी हरप्रीत जी बताएं। सर मैं अपने उस डेली सोप में जाना चाहता हूँ सर, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कुंडली में है कि नहीं। जी भैया डेली सोप में तो आप जा सकते हैं लेकिन जन्मांक आप बताएं तभी हम बता पाएंगे आपको। डेट ऑफ बर्थ सर? जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 5/4/1994। 5/4/1994। हाँ जी। और जन्म का समय भी बता दीजिए भैया। दोपहर के 1:40 सर। दोपहर के 1:40। और जन्म का स्थान भैया? जगाधरी। जी जगाधरी सर, जगाधरी। जगाधरी हाँ जी। देखिए भैया आपको बता दें यहाँ पर कर्क लगन की आपकी कुंडली है। देखिए शुक्र और बुध का किसी भी आप जब एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं बुध और शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको बता दें बुध मंगल और शनि के साथ अष्टम भाव में है और शुक्र आपका मेष राशि के अंदर दशम भाव के अंदर। देखिए राहु में केतु की अंतर दशा है, आप प्रयत्न कर सकते हैं, हम यहाँ बिल्कुल श्योरिटी नहीं देंगे आपको कि इस काम में आप सक्सेस हो पाए। इससे अच्छा रहेगा आप कोई कपड़े का बिजनेस करें तो उसमें आप बहुत अच्छे से फलीभूत हो पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन खीर का दान जरूर करना है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। श्री राधे, श्री राधे, धन्यवाद। और अभी आप देखिए कल दोपहर के शो की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।